ज़ॉम्बीज़ और वैम्पायर्स की कहानियाँ वेस्टर्न वर्ल्ड में उतनी ही प्रचलित हैं, जितनी कि भारत में तंबाकू मांगने वाले भूत की कहानियाँ। और ये कहानियाँ सबने एक न एक बार तो सुनी ही होगी। ये फिल्म भी उन्हीं कथाओं पर आधारित है, बस इस फिल्म को मॉडर्न जमाने के हिसाब से रंग दिया गया है, जो दर्शकों को बहुत पसंद आता है। कहानी की शुरुआत होती है कैलिफोर्निया की एक घाटी सैन फर्नांडो से। बहुत ही खूबसूरत घाटी के पास बसा एक शहर, जहाँ की हर झलक सुहावनी है, पर शायद केवल देखने में। एक हट्टा कट्टा नौजवान बर्ट जेब्लोंस की, जिसकी गाड़ी पर लिखा है स्विमिंग पूल क्लीनिंग सर्विस, एक घर के पूल की सफाई करने के लिए जाता है। किसी की नजर उस पर नहीं है, ये देखते ही वो घर में घुस जाता है। वो नजरें इधर उधर फिरा ही रहा होता है कि उसके सामने एक बूढ़ी औरत आती है, जिसे देखते ही बर्ट अपनी शॉटगन से उसे गोली मार देता है। वो औरत जमीन पर गिरती है, पर तुरंत खड़ी हो जाती है। उसका शरीर भयानक रूप ले लेता है। ये औरत एक वैम्पायर है, जिसकी खबर बर्ट को पहले से थी। इस वैम्पायर की लड़ाई बर्ट से होती है और बर्ट उसे मार गिराता है। बूढ़ी औरत के मरते ही उसका बॉडीगार्ड आता है, जो कि एक ज़ॉम्बी है। बर्ट उसे चांदी के तार से मार डालता है और दोनों के नुकीले दांत निकालकर वहां से अपने ठिकाने पर चला जाता है। इन पिशाचों को केवल लकड़ी और चांदी के सहारे ही मारा जा सकता है। बर्ट पिशाचों का शिकारी है और पिशाचों के दांत बेचकर अपना घर चलाता है। वैम्पायर्स दरअसल ज़ॉम्बीज का एक विकसित रूप है, जिन्हें ज़ॉम्बीज के मुकाबले मारना मुश्किल है। इन पिशाचों को मारने के केवल कुछ ही तरीके हैं, जिनमें बर्ट माहिर है। ठिकाने से निकलकर बर्ट अपनी बेटी पैच के स्कूल जाता है और उसे लेकर अपने घर की तरफ बढ़ता है, जहां उसकी बीवी जोसलिन उसका इंतजार कर रही है। घर पहुंचने पर जोसलिन उसे बताती है कि उसे 7 दिनों के अंदर $10,000 कमाने होंगे, ताकि पैच की स्कूल की फीस भरी जा सके, वरना उसे शहर छोड़कर अपनी नानी के घर जाना होगा। इधर बर्ट उन दांतों को बेचने के लिए अपने एक साथी ट्रॉय के पास जाता है, पर ट्रॉय उसे दांतों की सही कीमत देने से मना करता है। बर्ट के लिए ये स्थिति काफी बुरी बनती जा रही है। उसके पास पैसे नहीं है और वैम्पायर्स के दांतों का सही भाव उसे नहीं मिल पा रहा है। बर्ट ट्रॉय को अपनी कुछ दूसरी चीजें बेच वहाँ से निकल जाता है। उधर उस बूढ़ी औरत जिसकी हत्या बर्ट ने की थी, उसके घर एक लड़की ऑड्रे आती है, जो सैन फर्नांडो की एक बहुत बड़ी जमींदार है। बूढ़ी औरत की लाश को देखकर ऑड्रे बहुत दुखी होती है और अपने आदमियों को हत्यारे को जल्द से जल्द ढूंढने को कहती है। ऑड्रे भी एक खूंखार वैम्पायर है। बर्ट को पैसों की कमी होती है, इसीलिए वो अपने दोस्त बिग जे से मदद मांगता है। बिग जे उसे यूनियन से वापस जुड़ने की सलाह देता है। यूनियन वो संस्था है जहाँ ज़ॉम्बीज और वैम्पायर्स का शिकार करने वाले सभी लोग मिलकर काम करते हैं। बर्ट पहले भी यूनियन का हिस्सा था, लेकिन उसने अतीत में बहुत रायता फैलाया, जिसकी वजह से उसे यूनियन से निकाल दिया गया था। बिग जे की सिफारिश पर यूनियन का चीफ सीगर ना चाहते हुए भी बर्ट को वापस यूनियन में शामिल कर लेता है और उसे काम करने के लिए डे शिफ्ट देता है। दिन में पिशाचों को ढूंढकर ठिकाने लगाने का काम लोहे के चने चबाने जैसा है, पर बर्ट को पैसों की जरूरत होती है और इसीलिए वो तैयार हो जाता है। बर्ट के काम पर निगरानी रखने के लिए यूनियन के एक ऑफिसर सेठ को उसके साथ लगाया जाता है। सीगर चाहता है कि बर्ट जैसे ही कोई रूल तोड़े, सेठ तुरंत उसकी खबर उसको दे, जिससे कि वो बर्ट को यूनियन से लात मारकर बाहर निकाल दे। सेठ एक बहुत ही डरपोक आदमी है और उसे वैम्पायर्स का शिकार करने का भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, पर सेठ को सारे रूल्स जुबान पर याद हैं। सेठ और बर्ट अगले दिन सुबह सुबह पिशाचों का शिकार करने के लिए निकलते हैं और ढूंढते हुए एक स्पोर्ट्स एरिना के पास पहुंचते हैं। बर्ट सेठ को गाड़ी में बैठने को कह के खुद अंदर घुस जाता है, जहां उसकी भिड़ंत कुछ ज़ॉम्बीज़ से होती है। सेठ बर्ट को रंगे हाथों पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है। बर्ट सारे ज़ॉम्बीज़ को मारने में कामयाब होता है और उन सभी के दांत निकाल लेता है। सेठ इतना सारा खून खराबा देखकर डर जाता है। अगली सुबह फिर वो दोनों शिकार पर निकलते हैं और शिकार का कुछ सामान लेने ट्रॉय के पास जाते हैं, पर वहाँ जाकर उन्हें पता चलता है कि ट्रॉय का तो मर्डर हो चुका है। बर्ट को पता लग जाता है कि यह किसी ताकतवर वैम्पायर का काम है। वो दोनों तुरंत वहाँ से निकल जाते हैं। ट्रॉय का कत्ल ऑड्रे ने किया होता है। अब शिकार के लिए वो दोनों ज़ॉम्बीज के इलाके में पहुँचते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात दो मशहूर शिकारी भाइयों से होती है। इन दोनों भाइयों की चर्चा पूरे यूनियन में होती है। बर्ट तो चाहता है कि वो इन ज़ॉम्बीज को मारने का काम अकेले करे, ताकि उसे ज्यादा पैसे मिल जाए, पर ये काम आसान नहीं है
और इसीलिए वो उन भाइयों को साथ में मिलकर काम करने को कहता है। वो दोनों भाई भी पैसे आधे आधे करने की शर्त पर मान जाते हैं। अब ये चारों लोग मिलकर ज़ॉम्बीज का शिकार करने की ठानते हैं और घर में घुसते हैं। उस घर में अलग अलग प्रकार के ज़ॉम्बीज होते हैं जिन्हें मारने में ये सब कामयाब हो जाते हैं। बट सेठ से कहता है कि उसे अपने परिवार को बचाने के लिए पैसों की सख्त जरूरत है और इसीलिए वो ये सब कर रहा है। सेठ का दिल पिघल जाता है और वो बर्ट की शिकायत ना करने का वादा करता है। ज़ॉम्बीज को मारने के बाद बर्ट अपने घर पहुंचता है और अपनी बेटी के साथ एक बर्थडे पार्टी में शामिल होने जाता है। वहीं उसे एक लड़की का फोन आता है जो उसकी बीवी और बच्ची को जान से मारने की धमकी देती है। ये फोन उसे ऑड्रे ने किया था क्योंकि उसे पता चल चुका है कि उस बूढ़ी औरत का शिकार बर्ट ने ही किया था। बर्ट खतरा महसूस करते ही अपनी बेटी को लेकर वहाँ से भागता है, पर कुछ लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। वो जैसे तैसे अपनी बेटी को बचाकर अपने घर पहुँचता है, पर ऑड्रे पहले से ही वहाँ बर्ट का इंतजार कर रही होती है। पेज, जोस और सेठ उसके कब्जे में है। आगे ऑड्रे के आदमी बर्ट को भी बंदी बना लेते हैं। ऑड्रे कहती है कि वो पेज को भी वैम्पायर बना देगी और बर्ट की दुनिया तहस नहस कर देगी। अगर पेज वैम्पायर बन जाती है तो शायद फ्यूचर में बर्ट को अपनी बेटी को भी मारना पड़ेगा। ऑड्रे बर्ट को सेठ के साथ उसके घर में छोड़कर वहाँ से चली जाती है। बर्ट और सेठ बेहोशी की हालत में फर्श पर पड़े होते हैं। होश आते ही सेठ बर्ट पर हमला कर देता है। बर्ट समझ जाता है कि सेठ एक पिशाच बन चुका है और बर्ट को मजबूरन उसका गला काटना पड़ता है। पर सेठ की मौत नहीं होती क्योंकि वो अब साधारण ज़ॉम्बी नहीं बल्कि एक शक्तिशाली वैम्पायर बन चुका होता है। बर्ट काफी निराश होता है क्योंकि उसकी वजह से सेठ एक खूंखार वैम्पायर बन चुका होता है। लेकिन सेठ खुद पर कंट्रोल हासिल कर लेता है और बर्ट को उसकी फैमिली को बचाने में मदद करने का भरोसा दिलाता है। वो दोनों काली रात में ऑड्रे की तलाश में निकलते हैं। बर्ट को अपने ठिकाने पर एक लड़की हैदर से पता चलता है कि जिस बुढ़िया को बर्ट ने मारा था वो ऑड्रे की बेटी थी। ऑड्रे सबसे ताकतवर और खूंखार वैम्पायर है। ऑड्रे अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी और उसके लिए सैन फर्नांडो वैली को वैम्पायर्स का शहर बनाना चाहती थी, पर बर्ट ने उसकी जान ले ली और अब ऑड्रे का एकमात्र उद्देश्य है कि बर्ट की खुशहाल जिंदगी को बर्बाद करना। आगे सेठ इन सब घटनाओं की जानकारी बिग जे को भी देता है और बर्ट का साथ देने बिग जे भी आ जाता है। हैदर उन्हें ऑड्रे का पता बताती है। बर्ट और बिग जे ऑड्रे के अंडरग्राउंड ठिकाने पर पहुंचते हैं और पिशाचों को मारते हुए आगे बढ़ते हैं। इस ठिकाने पर ऑड्रे के सभी साथी ज़ॉम्बीज और वैम्पायर्स उसकी सुरक्षा में लगे होते हैं। लड़ाई के दौरान एक वैम्पायर बिग जे के गले पर काट लेता है। बिग जे बर्ट को कहता है कि वो लोग अब ऑड्रे के बहुत पास पहुंच चुके हैं और आगे का रास्ता उसे अकेले ही तय करना होगा क्योंकि बिग जे पीछे से आ रहे ज़ॉम्बी से लड़ाई करेगा। बर्ट के पास और कोई रास्ता नहीं बचता, इसीलिए वो आगे बढ़ जाता है। थोड़ी ही देर में बर्ट ऑड्रे के पास पहुंच जाता है। जोसलिन और पेज उसके कब्जे में होते हैं। बर्ट ऑड्रे को लड़ने के लिए ललकारता है। ऑड्रे उन्हें अपना असली रूप दिखाती है जिसे देख जोस और पेज तो डर जाते हैं। आंखों में खून, रफ्तार हवा से भी तेज, ऑड्रे वैम्पायर से भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली होती है। बर्ट और ऑड्रे के बीच एक भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। ऑड्रे बर्ट पर बहुत भारी पड़ती है। एक बार तो बर्ट हारने ही वाला होता है कि जोसलिन उसे आकर बचा लेती है। ऑड्रे का ध्यान जोसलिन पर चला जाता है और बर्ट को जाल बिछाने का मौका मिल जाता है। अब ऑड्रे जोसलिन को मारने जा रही होती है कि बर्ट उसे वापस ललकारता है और आंखें बंद कर देता है। ऑड्रे उसकी ओर हवा की रफ्तार से आती है पर उसे मारने से पहले ही उसका गला कट जाता है। वो लोग अंडरग्राउंड बेस से वापस बाहर आने लगते हैं, पर बीच में उन्हें बिग जे की हेट मिलती है जो इस बात का इशारा है कि बिग जे अब इस दुनिया में नहीं रहा। बट बहुत निराश होता है। अब आगे वो लोग बाहर ही पहुंचते हैं कि वहाँ यूनियन का बॉस सीगर आ जाता है बर्ट को रंगे हाथों पकड़ने, लेकिन सेठ अपनी चतुराई से बर्ट को बचा लेता है। बर्ट का रास्ता साफ हो जाता है। अब वो इन पिशाचों के सारे दांत बेचकर खूब सारे पैसे कमा सकता है और अपनी फैमिली के साथ खुशी से रह सकता है। बर्ट अपनी फैमिली की जान बचाकर चैन की सांस लेता है और अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। उसके जाते ही अचानक एक गटर का ढक्कन खुलता है जिसमें से बिग जे निकलता है और सिगरेट की कश लगाते हुए कहता है कि उसे इसीलिए तो सैन फर्नांडो पसंद है क्योंकि यहाँ ढेर सारे वैम्पायर्स हैं। बिग जे खुद अब एक शातिर वैम्पायर बन चुका है।